हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं आपका हमारे एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तुर्की देश की सैर करने जा रहे हैं और तुर्की देश के बारे में कुछ अनोखी जानकारी और रोचक तत्वों के बारे में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे तुर्की देश में किन किन जगह पर आप घूमने के लायक जा सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे रोचक भरे तत्वों की जानकारी दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, अपना बैग पैक कर लीजिए और डिजिटली चलते हैं हमारे साथ तुर्की देश की सैर करने। दोस्तों, तुर्की एशिया में बसा एक देश है, लेकिन तुर्की एक ऐसा देश है जो सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में भी आता है, क्योंकि इस देश का आधा हिस्सा यूरोप में और आधा हिस्सा एशिया में आता है। इस देश के लोगों को यूरेशिया नाम से भी जाना जाता है। इस देश के सबसे बड़े शहर का नाम इस्तांबुल है और इस देश की राजधानी अंकारा है। दोस्तों, इस देश के 80% लोगों को तुर्की नाम से जाना जाता है और इस देश के शहर को असलन नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तुर्की बियर बाजार के मामले में पूरी दुनिया में 12 नंबर पर आता है। पूरी दुनिया में 7 अजूबों में से 2 अजूबे आपको तुर्की में ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, टूरिज्म के मामले में इस देश का पूरी दुनिया में छोटा सा क्रमांक आता है और यह देश जीडीपी के मामले में पूरी दुनिया में 17वें क्रमांक में आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस देश में शराब करीब 4000 साल पहले से बनाने जाने लगी थी। और दोस्तों, इस देश में पूरे यूरोप में गोपी की लोकप्रियता बढ़ाई थी। दोस्तों, हम लोग जो अखरोट खाते हैं, क्या आप जानते हैं उसका उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तुर्की देश में होती है। तुर्की में नुहा आर्क नाम की निष्क्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस देश में हर साल 150 से भी ज़्यादा खुदाई पुरातत्व खोजों में होती है। तुर्की देश महिलाओं को हर तरह की आज़ादी देने वाला एकमात्र राष्ट्र देश है। और दोस्तों, इस देश में महिला दिखने में इतनी खूबसूरत होती है कि उन पर पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। इस देश की शहर इस्तांबुल लोकसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में 7वें क्रमांक में आता है और बड़ा शहर है। इस देश की प्रमुख भाषा तुर्की है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये देश एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ की महिला बाकी मुस्लिम देशों महिलाओं की तरह बुर्का पहनने चेहरे नहीं ढकती है। वहाँ के महिलाओं को पूरी तरह की आज़ादी दी गई है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी तुर्की देश के बारे में। अब हम जानेंगे तुर्की देश में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तुर्की में स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे बड़े शहर इस्तांबुल की एक बार सैर कर लीजिए। इस्तांबुल में तुर्की साम्राज्य और शासनों द्वारा निर्मित कई खूबसूरत रचनाएं, जैसे कि यहाँ का कैथेड्रल, मस्जिद और महल आज भी स्थित है, जो टूरिज्म के लिए स्वर्ग समान होता है। दोस्तों, अगर आप सूर्यास्त के सुंदर दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे बड़े शहर अतल्या में आप एक बार जरूर जाइए। अतल्या में आप सुंदर तटों और आकर्षित दृश्यों को आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तुर्की की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको अंकारा की यात्रा करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। यहाँ शहर सबसे आधुनिक स्थानों से एक है और इस देश को सबसे ग्रीन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, तुर्की में आप कप्पडोसिया का भी सैर कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह स्थान कई पर्यटक आकर्षण से भरा हुआ है, जहाँ पर पर्यटक कई ऐतिहासिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अंडर वाटर ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ का शहर कासा में जरूर जाइए। कासा तुर्की के ऐसी जगहों में से एक है जहाँ पर आप स्थल सैर कर सकते हैं और इसके साथ ही वाटर स्पोर्ट्स से लेकर अंडर वाटर ड्राइविंग तक की पानी की कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तुर्की में वाटरफॉल का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ का स्थल पमकल में जरूर जाइए। पमकल कई प्राकृतिक झरनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्यटक बार बार आना पसंद करते हैं। दोस्तों, अजमेर तुर्की देश में स्थित एक मुख्य शहरों में से एक है। यहाँ इस्तांबुल और अंकार के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, जिसका इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। अजमेर देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, जो कई खूबसूरत घाटियों और पहाड़ियों में से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगर आप सुंदर घाटियों और पहाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं तो तुर्की देश के अजमेर शहर में एक बार जरूर जाइए। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी तुर्की देश के बारे में। होप दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए,
चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोचक भरे तत्वों की जानकारी देता रहूँ।